पूरे उम्मीद के साथ हूँ कि चुनाव दोबारा होंगे। युवराज रमन सिंह धुंधला राजे आए, हम मुख्यमंत्री बनाने को तैयार हैं। अब कहीं ना कहीं बहुत चीफ जस्टिस की तरफ से बहुत बड़ा फैसला आने वाला है ईवीएम को लेकर। ईवीएम हट भी सकता है, सरकार फिर से दोबारा बनेगी, चुनाव फिर से होगा, राजनीतिक भूदाल आने वाला है इस देश में। बड़े बड़े मंत्रियों की कुर्सी, बड़े बड़े विधायकों की कुर्सी खतरे में आ गई है। और देखिएगा, सपना टूटेगा, मोदी की किस्मत फूटेगा। मोदी की किस्मत गई, इमरजेंसी के सर रात में ही खुल सकती है। अगर ये फैसला आ गया तो हम झूमेंगे, चुनाव रद्द। झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, हमारी सरकार बन रही है, जय मां का। तीनों राज्यों में फिर से होंगे चुनाव, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एक्शन, मोदी शाह के उड़े होश, मचा हड़कंप। जी हाँ, आपको बता दें, तीनों राज्यों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद बीजेपी ने सरकार क्यों ना बना लिया हो, और तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री का ऐलान भी क्यों ना हो गया हो, और शपथ ग्रहण भी क्यों ना हो चुका हो, लेकिन ये सब हो जाने के बावजूद भी ईवीएम पर उठता सवाल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और विपक्ष बीजेपी की जीत को लोगों की जीत न बताकर ईवीएम में धांधली से बनाई सरकार बता रहे हैं। इन तीनों राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी को मिले प्रचंड बहुमत के बाद ईवीएम पर सवाल उठने लगे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस से लेकर आम कार्यकर्ता बीजेपी की जीत पर भड़के हुए हैं। बीजेपी की जीत को लोग ईवीएम में धांधली और गलत तरीके से बनाई हुई सरकार बता रहे हैं। इस बीच जाने माने न्यूज चैनल लोकतंत्र टीवी ने हिंदू हृदय सम्राट बाल योगी महाराज जी से एक इंटरव्यू लिया, जिसमें उनका दावा है कि अब उम्मीद है कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं और तीनों राज्यों में दोबारा चुनाव होंगे। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के एक्शन से बड़ा तूफान आने वाला है। बाल योगी महाराज जी ने कहा है कि नेताओं की कुर्सी अब खतरे में है, दोबारा चुनाव होंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी। वहीं आपको बता दें, तीनों राज्यों के चुनाव रिजल्ट आने के बाद जिस तरह से कांग्रेस की हार हुई वह किसी झटके से कम नहीं था। जिस तरह कांग्रेस के पक्ष में जनता का माहौल था वो कहीं से भी देखने को नहीं मिला, जिसको लेकर ईवीएम पर सवाल उठना लाजमी है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील नरेंद्र मिश्र ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर की थी, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट से फैसले आने की बात कही जा रही है। वहीं आपको बता दें, मध्य प्रदेश चुनाव नतीजों को रद्द करने की मांग को लेकर प्रधान न्यायाधीश सीजेआई को नरेंद्र मिश्रा ने एक पत्र में याचिका भेजी है। पत्र याचिका में कहा गया है कि वोटिंग के दौरान विभिन्न तरह की 15,000 अनियमितता की शिकायतें चुनाव आयोग से की गई थी। चुनाव आयोग को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों, ईवीएम टेपरिंग, सीसीटीवी बंद हो जाने व अन्य प्रकार की शिकायतें दी गई थी। ये 15,000 शिकायतें चुनाव आयोग के पोर्टल पर भी मौजूद हैं। पत्र याचिका में आरोप लगाया गया है कि चुनाव आयोग ने इन शिकायतों पर फैसला लिए बिना ही प्रत्याशियों को सर्टिफिकेट जारी किया है।